और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें हमें एक फिगर दिया है जिसका शेप इस टाइप से है। ये मेरे स्टार्ट से ये चला गया, यहाँ से ये, जिसके शेप इस टाइप से है। इन चारों फिगर में से मैच करना है ये वाला फिगर किधर है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पे हमें दिया है ये, तो आप देख सकते हैं ये वाला फिगर बिल्कुल मैचिंग नहीं है। सेकंड वाले फिगर को देख सकते हैं, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा। तीसरे वाला फिगर को भी देख सकते हैं, ये भी मैच नहीं हो रहा। चौथा वाला फिगर मैच हो रहा है, तो ये इसका आंसर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें हमें एक फिगर है जिसका शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल इस टाइप से बना हुआ है। तो पहले वाले फिगर को देखेंगे, तो पहले वाला फिगर बिल्कुल मैच हो गया। तो ये वाला अब बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें दिया है हमारे पास एक फिगर है जिसको हमें मैच करना है। इस वाले फिगर को इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है। तो पहले वाले फिगर को देखेंगे हम, ये पहला वाला फिगर हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये 34 पे। तो इसका शेप भी आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल है, और इस लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे दो सर्कल हैं, एक मिडिल में सर्कल है और नीचे कर्व लाइन है, और इसके बिल्कुल सेंटर में एक एरो गया है। तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे और इसके मैच करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। इसके बाद आएंगे दूसरे वाले ऑप्शन पे, तो दूसरे वाले ऑप्शन को भी देखेंगे हम, ये भी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। इसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, ये भी मैच नहीं हो रहा। इसके बाद आते हैं चौथे वाले ऑप्शन पे, ये बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। ये वाला सेट और ये वाला सेट बिल्कुल सेम है, तो ये इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 35 35। इसमें भी हमारे पास एक सेफ है, ये देखिए, ये एक लूडो ऐसा बिल्कुल सेफ है। तो पहले वाला ऑप्शन पे देखेंगे आप, इसमें पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है और फिर ट्रायंगल है। तो पहले वाला देखेंगे, दूसरे वाले, तीसरा वाला गलत। फिर दूसरे ऑप्शन पे आएंगे, इसमें पहले पे ट्रायंगल है तो ये गलत है। इसमें पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है, ये वाला बिल्कुल मैचिंग है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें हमारे पास ऑप्शन है जिसका शेप बिल्कुल इस टाइप से है, एक टॉफी की तरह है। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे हम, ये जो है हमारा ये इस टाइप से है, लेकिन इसमें ये उल्टा है। सेकंड वाला भी नहीं है सेम, सेकेंड वाला बिल्कुल सेम है, तो ये इसका आंसर है। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। इसमें हमारे पास एक इस टाइप का एक सेफ है, जैसे पहले में हमारा सर्कल है, दूसरे में हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तीसरे में स्क्वायर है, फोर्थ वाले में ट्राइंगल है। इसको हम मैच करेंगे हमारे सभी ऑप्शन। पहले वाला ऑप्शन में देखेंगे हम, पहले वाला ऑप्शन में देखिए, पहले में इसमें सर्कल था, इसमें ट्राइंगल है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले में भी ट्राइंगल है। तीसरे वाला ऑप्शन देख सकते हैं, पहले में सर्कल है, दूसरे में इंटू है और तीसरे में स्क्वायर है, चौथे में हमारा ट्राइंगल है। तो ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये बिल्कुल सेम है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, जिसका शेप देख सकते हैं आप बिल्कुल इस टाइप से है। ये इसका शेप है जिसे हमें इसमें मैच करना है। तो पहले वाले ऑप्शन पे आते हैं हम, पहले वाले ऑप्शन को इससे मैच करते हैं, तो ये मैच किया, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अलग है। दूसरे वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, तीसरे वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो ये इसका फेयर मैचिंग है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं आप। एक हमारे पास सेब है, एक सर्कल है, बीच में एक ट्राइंगल है और उसके अंदर दो स्ट्रेट लाइन है और एक एरो है। तो हम पहले वाले ऑप्शन को इससे मैच करके देखेंगे। तो इसमें पहले हमारे पास ट्राइंगल है, क्योंकि पहले इसमें हमारे पास सर्कल था, इसमें पहले से ही ट्राइंगल है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसमें पहले सर्कल है, फिर ट्राइंगल है और ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन थी वो नीचे की साइड है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, जिसमें एक हमारे पास सर्कल है, उसके बाद हमारे पास एक ट्राइंगल है, फिर दो स्ट्रेट लाइन है और एक एरो है, तो ये हमारा बिल्कुल मैच है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमारे पास एक सेब है, एक मिडल में बिल्कुल बीच में एक एरो है, उसके बाद एक स्टाइप से एरो है, फिर दूसरे का सेब स्टाइप से, तीसरे का स्टाइप से, तो हम इसको मैच करेंगे। तो पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले पे, तो पहले वाले एक एरो है हमारे पास, उसके बाद ये वाला एरो भी सेम है, ये भी सेम है और ये वाला एरो भी बिल्कुल सेम है हमारे पास। ठीक, हमारे ये वाला एरो भी सेम है, तो हमारा पहला वाला बिल्कुल मैच हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास एक फिगर है, जिसमें एक सबसे पहले एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है और फिर सर्कल है, स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल। तो ऑप्शन नंबर पहले में देखेंगे, इसमें ट्राइंगल है पहले पे, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले में देखेंगे, इसमें दो ट्राइंगल है, इसमें भी देखेंगे हम पहले स्क्वायर है फिर ट्राइंगल फिर सर्कल, तो ये वाला बिल्कुल मैच है हमारा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हमारे पास एक सर्कल है और इसके बाहर 3 इंटू है और इसके अंदर भी एक इंटू का साइन है। तो पहले वाले में देखेंगे तो एक सर्कल है, बीच में एक इंटू का साइन है और बाहर 3 इंटू के साइन है, तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सेम है, ये इसका फिगर मैच है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे एक चारों कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइनें हैं और बीच में दो स्ट्रेट लाइन से डिवाइड हुआ है, जिसमें उसके चार पॉइंट बन चुके हैं, 1 2 3 4। तो पहला वाला देखेंगे, एक स्क्वायर है जो दो स्ट्रेट लाइन से डिवाइड है और इसके कॉर्नर पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सेम है, ये इसका फिगर मैच है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 में एक हमारे पास सी राइट ट्राइंगल है और एक अपोजिट ट्राइंगल है, और बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, इसको हमें मैच करना है, किस ऑप्शन पे हमारा है ये फिगर। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। दूसरा वाला देखेंगे, पहले राइट ट्राइंगल है फिर अपोजिट ट्राइंगल है, तो ये वाला बिल्कुल मैच नहीं है। इसके बाद आएंगे थर्ड वाले ऑप्शन पे, तो ये वाला ही हमारा मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 4th की, जिसमें एक राइट ट्राइंगल है फिर उसको अपोजिट ट्राइंगल और बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला बिल्कुल हमारे ऑप्शन से मिल रहा है। ठीक, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड में एक फिगर है, जिसको हमें इन चार ऑप्शन में से सर्च करना है कौन सा वाले ऑप्शन पे हमारा ये वाला फिगर। तो पहले वाले देखेंगे हम, तो पहला वाला ये देखिए, इसमें ये इस साइड है ये वाले, तो इसमें नीचे आ गई, तो ये वाला मैच नहीं हो रहा। दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे हम मैच करके, तो दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे सबसे पहले और फिर हमारे लेफ्ट साइड में, तो ये वाला एक देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल मैचिंग नहीं है। इसके बाद थर्ड वाला, तो थर्ड वाले को आप देख सकते हैं, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो हमारा फोर्थ वाला ये मैच हो रहा है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 का फिगर है बिल्कुल सेफ, देखिए एक बीच में स्ट्रेट लाइन है, एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन है और एक इधर और यहाँ पे ये, और यहाँ पे एक कर्व लाइन है,
ये भी मैच करना है। तो पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल है यहाँ पे। इसके बाद करेंगे ऑप्शन नंबर टू की, तो यहाँ पे ये नीचे सर्कल है, ये डिफरेंट हो गया। तीसरे वाले ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे एस टाइप का ये नीचे हो गया। इसके बाद करेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ की, तो यहाँ पे ये हो गया। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इज करेक्ट, पहला, तीसरा और फोर्थ नहीं है लेकिन दूसरा वाला है। इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं आप, एक स्क्वायर है और दो इसमें क्रॉस लाइन गई है। तो पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे हम, ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, दूसरा वाला भी मैचिंग नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है, लेकिन चौथा वाला हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, क्वेश्चन नंबर 48 में हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक, क्योंकि एक के बिल्कुल एक ज्वाइंट में है। पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, इसमें हमारा जो ट्राइंगल है वो अपोजिट में है। दूसरे वाले को देखेंगे, तो दूसरा वाला हमारा करेक्ट है, ये बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो रहा है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है, पर उसके अपोजिट डायग्राम में एक छोटा ट्राइंगल और एक इधर से स्ट्रेट लाइन है। तो पहले वाला ऑप्शन देखेंगे, ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, दूसरा वाला देखेंगे ये भी मैच नहीं हो रहा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल मैचिंग है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक बॉल टाइप का शेप है, यानी एक सर्कल है, ऊपर एक कर्व लाइन है, नीचे भी एक कर्व लाइन है और उसके अंदर एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है और नीचे एक इंटू का साइन है। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इसका मैच है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धन्यवाद, थैंक यू।